स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी। कोविड 19 महामारी के इस दौर में फिटनेस जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। इस संवाद में पोषण, स्वास्थ्य और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञानवर्धक चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिए देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है। एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कृषि क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं तीनों विधेयक। इन विधेयकों का मकसद विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज के बिक्री की अनुमति देना है, साथ ही किसानों को अनुबंध खेती की इजाजत भी देना है। अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करना है। तीनों विधेयकों का मकसद कृषि क्षेत्र का उदारीकरण करना भी है। बेचने की आजादी से किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद कहा था कि इससे करोड़ों किसानों को मिलेगी ताकत। मन की बात में भी पीएम मोदी ने एनएसएस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान को पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष इन पुरस्कारों को प्रदान करता है। वर्तमान में एनएसएस के पूरे देश में फैले हुए लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हैं। एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना है। एनएसएस का वैचारिक नीति महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना के जरिए प्रोत्साहन मिल रहा है। एमएसएमई कारोबारियों के समस्याओं के निदान के लिए पीएम मोदी ने चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिए गए हैं। केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत 11 लाख करोड़ रुपए की मोबाइल डिवाइसेज और इसके उपकरण बनाने के आवेदन आ चुके हैं। दूसरी ओर एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर समेत सैमसंग, लावा और डिक्सन जैसी कंपनियों का आवेदन मिल चुका है और उत्पादन अगले 5 सालों में किया जाएगा। इससे 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसमें 3 लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके आएंगे।